यस मैम। ओके बेटा। बिकॉज आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से बार बार आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। हेलो बेटा, सभी को वॉइस आ रही yes. है? यस मैम। ओके बेटा, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। बेटा सभी को बुक दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो दैट्स लुक एट योर एग्जांपल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जो एक कोई पर्सन है जो आपको बता रहा है कि अगर मुझे फियर था, मुझे डर लग रहा था, डाउट था, व्हाट इफ था, तो मैंने किस प्रकार के फियर किए थे अपने फ्रेंड से। तो देखते हैं, माय बिगेस्ट फियर इज आई विल फेल माय एग्जाम। मेरा सबसे बड़ा फियर था, डर था क्या, अगर मैं फेल हो जाऊंगा। आई विल फेल माय एग्जाम, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। आई स्टडी वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत से, परिश्रम से पढ़ने लगा, बट एट नाइट, लेकिन रात में क्या होता है कि व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन है वो मुझे परेशान करने लगते हैं। आई लाई अवॉक इन बेड, मैं बेड पर बहुत देर तक जागता रहता हूँ, टेरिफाइड, डरा हुआ रहता हूँ। आप व्हाट विल हैपन इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। व्हाट हैपन इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इवन व्हेन आई एम श्योर दैट आई रिमेम्बर द टॉपिक वेल, इसलिए मैम मुझे जो है सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से मैंने लर्न कर लिया है, श्योर हूँ मैं। I cannot go to sleep. I can't go to sleep. मैं सो नहीं पाता। मैं सो नहीं सकता इसी वजह से कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। I also worry. मुझे और भी चिंताएं रहती हैं that I was not as good at sport in my dad was. अगर मैं अपने डैड के साथ अच्छी तरह से खेल नहीं पाया स्पोर्ट में, जैसा मेरे डैड प्लेयर है उस तरह से अगर मैं प्लेयर नहीं बन पाया। He played cricket and volleyball at the state level. वो स्टेट लेवल पर वॉलीबॉल और क्रिकेट को खेलते हैं। I keep wondering what if I miss a simple catch? अगर मैं सिंपल कैच बना तो क्या होगा। इफ आई एम अ बॉल आउट ऑन द वेरी फास्ट बॉल इन द स्टेडियम, अगर मुझे बोल्ड कर दिया गया तो क्या होगा। ऐसे ही आपको अपने फ्रेंड से आपको बताना है कि अगर आपकी सबसे बड़ी फियर प्रॉब्लम क्या है, और फिर आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, रात में कैसी कैसी थिंकिंग आपको आती है। ओके। यस मैम। यस मैम। यस बेटा, तो दिस टॉपिक क्या आप लोग स्पीकिंग कर पाएंगे? यस मैम। वेरी गुड बेटा, तो नेक्स्ट डे हम आप लोग तैयार कीजिएगा स्पीकिंग जंक्शन का टॉपिक। नेक्स्ट डे आपको क्लास टाइम में बोलना होगा। ओके। यस मैम। एनीवन, कोई भी किसी पे यस मैम कर लेंगे ना सभी? यस मैम। यस मैम। बेटा आपको कोई कोई भी डाउट
आपके पास हो उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, कर लेंगे ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। रीडर्स राइट, रीडर्स राइट बेटा क्या है? दिस इज बैड क्लासिंग पोयम, क्लासिंग पोयम है ये। सिंगिंग करने से क्या सबक मिलता है? द सिंगिंग लेसन, लेसन में सबक सीखना, पार्ट सीखना या किसी को ट्रीट करना, किसी को सिखाना। ओके, तो द सिंगिंग लेसन सीखने से सबक। अब बेटा नाइट एंगल मीन्स जानते हैं आप सभी क्या होता है? मैम बाज, बाज नाइट एंगल में किसे? नो मैम। यस बेटा मैम बुलबुल, बुलबुल या कोयल नाइट एंगल। कुकू मीन्स कोयल एंड नाइट एंगल मीन्स बुलबुल। ओके यस मैम, सभी को क्लियर है ना नाइटिंगेल मीन्स? आप यस मैम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बुलबुल, बुलबुल भी होता है, कोयल भी होता है। कोयल इज द सिंग स्वीट सॉन्ग। ये टॉपिक बुलबुल पर ना होकर कोयल पर कही गई है और कोयल को वेरीफाई किया गया है नाइटिंगेल से, जबकि कुक्कू में कोयल होता है ना। Yes. Okay. Yes, ma'am. Are you ready? Very interesting poem. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. A nightingale made a mistake. Nightingale जो एक कोयल है, उसने एक मिस्टेक कर दी, गलती कर दी। अब उसने गलती क्या की? He sung a few notes out of tune. Tune. So he sang. उसने गाया few notes. कुछ गाने आउट ऑफ टून, अपने करके। कोयल बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती है ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो उसकी जो धुन है, जो लय है, उससे वो हट करके कुछ गाने गाती है। फ्यू नोट्स कुछ गाने गाती है। हर हार्ट वॉज रेडी टू ब्रेक, उसका जो हृदय है वो टूटने के लिए तैयार है। मींस सी इज सैड, बहुत ही उदास है वो, सैड है। दैट्स उसका जो हृदय है, जो उसका दिल है, वो टूटने के लिए तैयार है। वो पूरी तरह से हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। एंड सी हिड, हिड मीन्स होता है छिपना, हाइड जिसे बोलते हैं आप। सो सी हाइड अवे फ्रॉम द मून। आप देखते हैं कि जो कोयल होती है और बुलबुल, ये चांद को देख करके बहुत खुश होती है ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ये चांद से आज जो इस समय वो बहुत उदास है, उसने अपनी अपने नोट को किसी और के धुन पर गा दिया, किसी और के धुन पे उसने गाने को गाया, तो उसका हृदय जो है बहुत उदास है, इस कारण ऐसा वो कर रही है। वो अब क्या हो रहा है, चंद्रमा से खुद को छिपाने लगी, छिपने लगी चंद्रमा से, चंद्रमा की रोशनी, मून की लाइट से वो हाइड होने लगी, छिपने लगी। अंडरस्टूड, समझ रहे हो ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो सी रंग हर डॉज फोर थिंग्स, अब देखिए, और वो सी सी रंग मीन्स मरोड़ना, W R U N G, रंग मीन्स होता है मरोड़ना। हिज क्लॉ, पंजा, अब वो अपने पंजे को क्या करती, मरोड़ती है। जब हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने हाथ को, अपनी हथेलियों को क्या करते हैं, एक दूसरे से पकड़ के मोड़ने लगते हैं। या कभी थक जाते हैं राइड करते हुए, आप लोग जब टायर्ड टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो अपने पंजों को, अपने हाथों को दबाने लगते हैं, है ना ऐसा? यस, यस मैम, यस बेटा।
तो सेम आज भी ऐसा ही हो रहा है. तो वो जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट है, दुखी है, तो वो क्या कर रही है, अपने पंजों को दबाने लगी है, मरोड़ने लगी है. पुअर थिंग, बेचारी, जो नाइटिंगेल है वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है, दुखी है. तो वो क्या करती है, अपने पंजों से अपने पंजों को जो है वो मरोड़ने लगती है, दबाने लगती है. बट वॉज फॉर टू प्राउड टू बी फॉर, बट वॉज फॉर वो दूर है किसे, प्राउड टू वेट, रोने से उसे बहुत कष्ट है, लेकिन वो रोने से बहुत दूर है, वो रोना बिल्कुल नहीं चाहती. हम लोगों को जब कष्ट होता है, आप लोग जब कभी ट्रबल में होते हैं, कभी ट्रबल्ड होता है, आप परेशान होते हैं, तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, वीपिंग करने लगते हैं, है ना. यस मैम, यस मैम. नाइटिंगेल जो है इसको बहुत ज्यादा कष्ट है. अब क्या कष्ट है अभी देखते हैं, आगे पता चलेगा, लेकिन फिर भी वो रो नहीं रही है. बट वॉट फॉर, दूर है वो रोने से. जो रोना है, लोग रो करके अपनी बात को मना लेते हैं, लोग मान जाते हैं, बट वो रोने से बहुत दूर है. अब देखिए फिर क्या हो रहा है, हर हैड अंडर हिज विंग्स. अब वो क्या कर रही है, अपने सिर को, बेटा नाइटिंगेल इज अ बर्ड, तो दैट हैज विंग्स. यस मैम. तो सी हैज विंग्स. तो वो क्या कर रही है, अपने सिर को अपने पंखों के बीच में छिपा ले रही है. अक्सर आप लोग देखते हैं रेनी सीजन में, पैरट को देखिए या आप स्पैरो को देख लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, जब बारिश होने सर को क्या करते हैं, अपने जो उनके विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उनके बीच में डाल देते हैं, जितने वो बरसात में भीगते तो हैं, बट उनके पंख की कोई विक्टिम का जो हेड रहता है वो पूरी तरह सेफ रहता है. देखा है आप लोगों ने कभी. यस मैम. यस बेटा. तो no, उसे उसका रोने का मन हो रहा है, इस वजह से वो अपने सिर को अपने विंग्स में छिपा लेती है, अपने पंखों के बीच में छिपा लेती है. एंड प्रिटेंडेड टू बी स्लीप. प्रिटेंडेड मींस मैम दिखाते हैं, बहाना बनाना. और वो सोने का बहाना बनाती है कि मैं तो सो रही हूँ. ओके. यस मैम. यस बेटा. अलार्म आर इन आर विद आ चर्च. अलार्क, लार्क क्या है, एक प्रकार का पक्षी है लार्क. और वो जो है आर्म इन आर्म विद चर्च मीन्स होता है दाना. वो अपने आप अपने आर्म में अपने बाहों में खुद को समेटते हुए अपनी भुजाओं में खुद को महसूस करते हुए वेरी ग्लैड वेरी हैप्पी होकर के गाने लगता है. ओके. समझ पा रहे हैं बेटा. हेलो बेटा. बेटा वॉइस जा रही है आपको. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके बेटा. तो कम सन टर्निंग अप टू द प्लेस. सम सन टर्निंग में सीधा टहलते हुए या फिर. तो वो जो है गा रहा है और टहलते हुए उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर नाइटिंगेल बैठ करके सोने का बहाना बना रही है. समझ रहे हैं. यस यस मैम. यस बेटा. तो वो जो है उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जो कोयल है जो बुलबुल है वो बैठ करके सोने का बहाना बना रहे. सी इज वेरी अपसेट. ओके. तो नाइटिंगेल फेल हर सेल्फ ब्लेस्ड.
नाटिंगल फेल्ट, नाटिंगल जो है फेल्ट, बेटा फेल्ट है या फेल है, क्या राइट है? आप लोग अपनी बुक में देख कर बताइए मुझे. नाइटिंगल फेल्ट, नाइटिंगल महसूस करती है हर सेल्फ खुद को. ब्लश, ब्लश मीन्स होता है सर में, खुद पर उसे शर्म आ रही है. थ्रो फैदर, इसलिए फैदर के हर फेस, उसने पंखों के बीच भी अपने फेस को छिपा लिया है. कोई ऐसी ट्रेजडी हो गई है जिसकी वजह से, अभी वो एक्सप्लेन नहीं हुआ पैसेज में, संज्ञा में, कोई ऐसी ट्रेजडी हुई है जिसकी वजह से जो नाइटिंगल है वो बहुत ही अपसेट है और उसे खुद को सर मारे पर, और उसने क्या किया है, अपने फैदर में अपने फेस को छिपा लिया है. अंडरस्टूड? यस मैम. बेटा फर्स्ट संज्ञा आपकी समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any problem? No, ma'am. No, ma'am. Next, देखते हैं. See new. See new. वो जानती थी. क्या जानती थी? They had heard her song. उन्होंने उसके गाने को सुना. अब उन्होंने कौन है? अभी देखते हैं, क्लियर होता है. कि गाने को सुना, सी वो जानती थी कि उन लोगों ने मेरे गाने को सुना है. सी फेल्ट देम, उसने महसूस किया. देम उनको, स्नीकर एंड हील, स्नीकर में होता है झुझलाना और हील में होता है उपहास करना, हंसी उड़ाना. तो उसने ये महसूस किया कि उन लोग, वो लोग मेरे गाने की हंसी उड़ा रहे हैं और उसे सुनकर के झुंझला गए हैं पूरी तरह से. बेटा वॉइस जा रही सभी को? हेलो बेटा, वॉइस जा रही सभी को? हेलो बेटा, सभी को वाइज जा रही है? यस मैम. यस मैम. ओके. तो उसके उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके गाने को सुन करके सभी लोग जो है उसका उपहास उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं उसकी. सी थॉट दैट लाइफ वाज टू लॉन्ग, उसको ऐसा सोच रही थी कि उसका जीवन जो है बहुत लंबा है. उसकी समझ में आ रहा था कि सभी लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो उसकी जीने की इच्छा नहीं थी. लेकिन वो जान रही थी कि लाइफ इज टू लॉन्ग, जो जीवन है वो बहुत लंबा है. एंड दिस ही कुड स्किप अ ईयर, और वो एक साल को स्किप करना चाहती थी. स्किप समझ रहे ना सभी? यस मैम. यस बेटा, स्किप करना चाहती थी मीन्स उसे छोड़ना चाहती थी, साल हमारे बीत जाए और वो हमारे जीवन में ना रहे, क्योंकि सभी लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उस पर झुंझला रहे थे, नाराज हो रहे थे. तो ओ नाइटिंगल फूड ऑफ द, नाइटिंगल फूड, फूड मीन्स होता है, बेटा डव मीन्स क्या होता है? DOVE. बेटा डव इज अ वर्ड, एक व्हाइट कलर का वर्ड है डव. मैम बतख. बतख की तरह ही होता है बट बतख नहीं होता. अब आप लोग सर्च करके मुझे नेक्स्ट डे बताइएगा डव क्या है. डव इज अ वर्ड. तो नाइटिंगेल कह रही है कि तुम जो है, तुम लोग बिल्कुल डव की तरह हो, मीन सफेद कलर के हो, ऊपर से सफेद हो और अंदर से काले हो. मैं समझ रहे हैं आप लोग ना? यस यस मैम. अंदर से काले का मतलब मतलब आपके मन में ज्वेलसी भरी हुई है, केवल आप ऊपर से ही दिखने में वाइट हो, अच्छे हो. अंडरस्टूड? यस मैम. यस मैम. ओके नेक्स्ट. फिर क्या है? ओ नाइटिंगल
What the use? का क्या use है? अगर आप इतने white हो सब. मैम कबूतर. बेटा नहीं, कबूतर भी नहीं. सोच कर बताइएगा. सोचिए इत्मीनान से सोचिए. बिल्कुल ऐसा ही होता है. आप तो बोल रहे हैं, but उसका दूसरा नेम है. उसे कुछ और. मैम पड़की. अब भी आपने पहुंच रहे हैं सही वेस पर, लेकिन थोड़ा सा सोच करके हमें इत्मीनान से बताइएगा. टाइम ले लीजिए, कल बताइएगा मुझे. तो नाइटिंगेल, व्हाट द यूज? नाइटिंगेल कह रही है कि आप इतने अच्छे हो, इतने सुंदर हो, लेकिन आपकी थिंकिंग नहीं अच्छी है. आप दूसरों पर हंसते हो. तो दैट मीन्स आप किस काम की है? आपकी सुंदरता किस काम की है जब आप दूसरों की हंसी उड़ाते हो? अंडरस्टूड? समझ रहे ना? यस मैम. यस मैम. क्लियर हो रहा है? वो जो गाना गा रही थी, सी वाज वेरी सैड. तो दैट्स उसकी धुन इधर उधर हो गई. मीन्स कोयल बहुत अच्छा गाती है, लेकिन जब हम अपसेट होते हैं तो क्या हमारी जो हम बोलते हैं वो सही बोलते हैं? गलत भी हो जाता है. तो दैट्स जो कोयल थी उसकी जो धुन थी वो थोड़ा सा हट गई, थोड़ी सी गलत हो गई उसमें. और जो पक्षी थे उन लोग वो लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे. अंडरस्टूड? यस मैम. यस मैम. क्लियर हो गया ना? तो वो क्या रही? यस मैम. मैं काली हूँ फिर भी मेरे अंदर कुछ गुण है, लेकिन मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से तुम मेरी हंसी उड़ाते हो, उड़ा रहे हो. और तुम सफेद हो, बिल्कुल व्हाइट कलर के हो, लेकिन किस काम के हो? मैम आपकी आवाज फस फस के आने लगी. ओके बेटा. ओके क्लियर जा रही होगी. हेलो बेटा. महक, अविरल, प्रिया. बेटा वाइफ जा रही है? यस मैम. मैम आने लगी. यस मैम. यस मैम. ओके बेटा. तो यू बर्ड ऑफ ब्यूटी एंड लव. तुम पक्षी हो सुंदरता के और प्रेम के. तुम सुंदरता और प्रेम के पक्षी हो, सुंदर हो. तुम्हें देख करके तुम व्हाइट कलर के हो, सभी लोग खुश हो जाते हैं, प्रेम करते हैं तुमसे. बट व्हाई दे हैव लाइक अ गूज. लेकिन तुम, तुम्हारा बिहेव कैसा है? बिल्कुल हंस जैसा. तुम हंस जैसा बिहेव क्यों करते हो? व्हाई दे हैव लाइक गूज. तुम हंस जैसा बिहेव क्यों करते हो? क्या रीजन है कि तुम हंस जैसा बिहेव करते हो? बेटा सभी को वाइस जा रही है ना? यस मैम. यस मैम. तो यस मैम. डोंट स्लिप अवे फ्रॉम आवर साइट. हम डोंट स्लिप मींस फिसलना. हम अपने रास्ते से, अपने साइड से फिसल जाते हैं. अक्सर ऐसा हो तो डू नॉट. हम नहीं फिसलते. अवर साइट अपने अवे हमेशा. हम हमेशा अपने साइड से थोड़े फिसलते हैं. अपने रास्ते से हम हमेशा नहीं फिसलते. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है. सो आज हो गई. तो डू नॉट स्टक अवे फ्रॉम आवर साइड. हम हमेशा अपने रास्ते से नहीं भटकते. लाइक अ कॉमन कंटेप्टिबल फॉल. साधारण अशोभनीय फॉल में होता है फब्बारा. फाउंडेशन फाउंटेन. सॉरी फाउंडेशन नहीं, फाउंटेन. फाउंटेन मीन्स फब्बारा. तो एक अशोभनीय जो अच्छा ना लगता हो, ऐसे फब्बारे की तरह. यू बर्ड ऑफ जॉय एंड डिलाइट. तुम पक्षी हो खुशी और आनंद के. एक फब्बारा जिसमें पानी निकलता है. कॉमनली कोई भी फब्बारा हो. फब्बारा बेटा जानते हैं? फाउंटेन आप देखते होंगे टेम्पल्स में, या आप पार्क वगैरह में जाते हैं तो साइड. यस मैम. नीचे लाइटें जलती रहती है और ऊपर उसके वाटर फ्लैश होता रहता है शावर की तरह. यस मैम. यस मैम. दैट इज फाउंटेन.
तो यस मैम फाउंटेन की तरह कॉमनली जो फाउंटेन का काम है बेटा सभी को वॉइस जा रही है यस मैम ओके जो फाउंटेन का वर्क है वो कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं है वो और क्योंकि उसे अच्छी तरह से नहीं बताया गया है बनाया गया है बाहर से ऐसे फाउंटेन होते हैं जिसमें वर्क किया जाता है तो वो अच्छा रहता है तो तुम कॉमन फॉल फव्वारे की तरह हो यू बर्ड ऑफ जॉय एंड लाइट खुशी और आनंद के तुम पक्षी हो बिल्कुल उसी तरह फिर वाई बिहेव लाइक एन आउल फिर तुम एक उल्लू की तरह व्यवहार क्यों करते हो उल्लू जानते हैं ना फिर हेलो बेटा वाइस जा रही सभी को यस मैम यस मैम आने लगी ओके बेटा तो फिर जब आप खुशी और डिलाइट आनंद के पक्षी हो फिर आप आउल की तरह बिहेव क्यों करती हो अंडरस्टूड यस मैम यस बेटा तो नाच देखते हैं ओनली थिंक ऑफ ऑल Only think of all you have done. केवल उन सभी कामों के बारे में सोचो जो तुम कर सकते हो Only think, केवल सोचो of all you have done. उनके बारे में जो आप कर सकते हो जो आपने किया All you have done, जो आपने किया Only think of all you can do और केवल उनके बारे में सोचो जो आप कर सकते हैं मीन्स उनके बारे में सोचिए जो आपने किया है अच्छा काम किया है या बेकार काम किया है लोग उससे आपकी प्रशंसा करेंगे या आपसे आपसे हेट करेंगे क्या करेंगे तो दैट या फिर आप उनके बारे में भी सोचे जो यू कैन डू आप कर सकते हैं मीन्स जो किया है उसके बारे में सोचना है जो करेंगे उसके बारे में सोचना है अंडरस्टूड यस मैम यस मैम ओके तो अ फॉल्स नोट इज रियली फन जो हम झूठ बोलते हैं वो पहले तो बहुत ही फन होता है मजेदार होता है झूठ बोलते हैं आप तो पहले तो बड़ा आनंद आता है ना यस मैम यस बेटा लेकिन बाद में क्या होता है बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं आता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब आपको पनिशमेंट मिलने लगता है आपने झूठ बोला एज जो भी तो फॉर सच अ वर्ड वर्ड एज यू बिल्कुल पक्षी तुम्हारी तरह पक्षी होते हैं मीन्स आप बता रहे हैं डब डब को बता रही है बुलबुल की बिल्कुल तुम्हारी तरह होते हैं Lift up your proud little chest. Bita, listen. Listen everyone. Yes, ma'am. That time is over. Aapki next class hogi. Dusri class hai na uske baad? Ma'am, math class. Okay, bita. So, yes, ma'am. Lastly, bita, itna hi. Aage ke hum math bhi padhenge. Okay? Goodbye, everyone. Mam, goodbye.